एबीपीएस न्यूज। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधानों के अधिकारों को लेकर चर्चा हुई और संगठन पदाधिकारियों ने एकजुटता की आवाज भी उठाई। मथुरा के ब्लॉक नौझील में गुरुवार को आयोजित बैठक में प्रधानों के अधिकारों के लिए प्रदेश स्तरीय टीम ने प्रधानों से बात की। प्रदेश स्तरीय टीम का नेतृत्व कर रहे संगठन के प्रदेश सचिव अजय प्रताप सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रधानों के अधिकारों का निरंतर हनन कर रही है। पूर्व की कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने सन 1992 में प्रधानों को कई अधिकार दिए थे, लेकिन आज उनके अधिकारों का प्रयोग नहीं होने दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान को नेता, सरकार, सरकारी तंत्र सभी परेशान कर रहे हैं। प्रधानों के खिलाफ रहने वाले को संगठन द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव अजय प्रताप सिंह, ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कोषाध्यक्ष व बड़ी संख्या में प्रधानों ने पहुंचकर बैठक को सफल बनाया। कल्याण सिंह जी के द्वारा दायर गया 73वां संविधान संशोधन अब ये लागू कर दें, ऐसा अभी तक तो लगा नहीं है, एक वर्ष इनकी सरकार को हो गया, ना ही ग्राम पंचायतों पे इतना ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों को हमारी सरकार पैसा दे रही है, बहुत पैसा दे रही है, ग्राम प्रधान खर्च नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रधान जी बनने के बाद हम लोगों के शिकायत करने वालों की संख्या हो, चाहे वो बदनाम करने वालों की संख्या हो, उनमें बढ़ोतरी होती चली गई और इस समय शायद फिर कोई ग्राम प्रधान होंगे जो ये सोचते ना हो कि इससे तो प्रधान बने बिना ही ठीक थे। मेरे भी सुरक्षा के लिहाज से कुछ इंतजाम सरकार करके थे, उसमें हम ना तो गार्ड की मांग कर रहे हैं, ना ही उनके किसी हथियार की मांग कर रहे हैं। मांग हमारी ये है कि हर ग्राम प्रधान को एक लाइसेंस, शस्त्र का लाइसेंस दे दिया जाए। ग्राम प्रधान खुद अपने आप में इतना सशक्त होता है कि हथियार खरीद सकता है, तो ये तो नहीं संगठन की मुख्य मांग है। इसके साथ ही पिछली बार जो हमने आंदोलन किया था लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान, वादे तो शायद सरकारें तोड़ने के लिए करती हैं, नेता वादा इसीलिए करते हैं कि जो तोड़ दिया जाए। इसके साथ ही 50,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक का काम कराने का जो अधिकार हमारे पास पड़ा था वो भी 20 अक्टूबर 2016 को ही हुआ था,